यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें कि आज एक सम्मेलन होना है दिल्ली में, काफी अहम ये माना जा रहा है। राजकुमार सैनी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और ये जो सम्मेलन है वो दिल्ली में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें हम कि सांसद राजकुमार सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, वो भी शिरकत करेंगे। अपनी पार्टी ये बना चुके हैं, 36 बिरादरी को एकजुट करने की ये कोशिश यहाँ पर करेंगे ये कहा जा रहा है। और साथ ही सभी विश्वकर्मा सहयोगी संस्थाएं भी यहाँ पर शामिल होंगी। तमाम तरह की बातें होंगी, मकसद जो होगा वो एकजुटता का संदेश देना होगा, एकता का संदेश देना होगा। और देखना ये भी होगा कि आखिरकार राजकुमार सैनी यहां से क्या कहते, क्या बोलते हैं। तो राजकुमार सैनी पहुंचेंगे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के इस कार्यक्रम में, उनको आमंत्रित किया गया है। तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम बताया गया है। और असल मकसद यही है कि जो तमाम बिरादरी है हरियाणा की भी, उनको बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए। प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे और यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। सभी विश्वकर्मा सहयोगी संस्थाएँ शामिल होंगे यहां पर। तो कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा दें कि विश्वकर्मा ये सम्मेलन है, यहीं पर राजकुमार सैनी कुछ ही देर बाद आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। काफी बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है। गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव हमारे साथ, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होना है, कब राजकुमार सैनी पहुंचेंगे, क्या क्या देखा जा सकता है इस कार्यक्रम में। देखिए कमल, बिल्कुल, मैं इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का एक कार्यक्रम है, जिसमें सांसद के तौर पर कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सभी 36 बिरादियों को एकजुट करने की बात लगातार सांसद राजकुमार सैनी उठाते रहे हैं, और आज उसी को लेकर आज हरियाणा और दिल्ली में जितने भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं या विश्वकर्मा समाज की जो अन्य समाज जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो तमाम आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा तस्वीरों में, ये तालकटोरा स्टेडियम है, जो कि ये मंच बनाया गया है, जहाँ पर फिलहाल पूजा जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ये पूरा स्टेडियम भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगभग इसमें 7,000 लोगों की बैठने की इस यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कह सकते हैं हम एक महासम्मेलन जो है यहाँ पर आज तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। और साथ में जो अन्य संस्थाएं हैं विश्वकर्मा जो सहयोगी संस्थाएं हैं, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और कमल, इसमें आम लोगों को जो है नहीं बुलाया गया है, जितनी भी इस संस्थाएं हैं या विश्वकर्मा समाज से जुड़े अन्य समाज हैं, उन सबके पदाधिकारियों को, या हम कहें तो पदाधिकारी ही जो है यहाँ पर आज बुलाए गए हैं। और लगभग कहें तो बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 लोग जो है इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि आज सांसद राजकुमार सैनी यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज ने यदि आज पूरी तरह से समर्थन सांसद राजकुमार सैनी को अगर दे दिया, तो कहीं ना कहीं चुनाव में और अन्य जो पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन जो है राजकुमार सैनी द्वारा कर दिया गया है। और उसी को लेकर अब तमाम जो समाज के लोग हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे अन्य समाज हो, उन सबको जोड़ने की कोशिश लगातार राजकुमार सैनी कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अब लोकसभा चुनाव होना है, तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ में विधानसभा भी 90 के 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी सहयोगी संस्थाएँ हैं विश्वकर्मा की, और तमाम जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े हैं, चाहे उसमें पांचाल समाज हो, चाहे जांगड़ा समाज हो, चाहे धीमान
समाज हो, अन्य इस तरह के कई समाज हैं जो कि सभी को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया और लगभग यहाँ पर सभी पदाधिकारी आज मौजूद रहेंगे। आने की तैयारी लोगों की यहाँ पर शुरू हो चुकी है और पंडाल लगभग कहें तो हम 12 बजे तक ये पूरा जो तालकटोरा स्टेडियम का पंडाल है ये लगभग भरा हुआ जो है यहाँ मिलेगा जैसा कि कहा जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह राजकुमार सैनी ने हाल ही में पानीपत की रैली भी की थी और उसके बाद अब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है, तो क्या मंच के माध्यम से आज क्या ऐलान हो सकता है विश्वकर्मा समाज की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो विश्वकर्मा समाज से ही आते हैं और पंचाल समाज के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, जांगड़ा समाज के भी यहाँ पर, मतलब इस तरह से सभी समाज के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ आज उपस्थित होंगे। यदि उन्होंने आज पूरी तरह से सांसद राजकुमार सैनी को समर्थन दे दिया तो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कमल बताया कि हरियाणा के अंदर जो है और जो पार्टियां हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपने तमाम विस्तार से जानकारी दी, इस कार्यक्रम के बारे में आपसे लगातार समय समय पर और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप